नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, रावण बहुत ही मायावी और ज्ञानी राक्षस था। ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदानों के बल पर उसने यक्ष, गंधर्व और सभी देवताओं को जीत लिया था। रावण को मारने के लिए स्वयं विष्णु जी को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको रावण से भी मायावी और शक्तिशाली 5 ऐसे राक्षसों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके वजह से पूरा ब्रह्मांड त्राहिमाम कर उठा था। पहला, हिरण्यकश्यप। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दीति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसका प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु जी की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु जी की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। अचानक भगवान विष्णु खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न घर के भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीरकर उसे मार डाला था। दूसरा था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष एक असुर था जिसका वध बराह अवतारी विष्णु जी ने किया था। हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई था। हिरण्याक्ष माता धरती को रसातल में ले गया था, जिसकी रक्षा के लिए आदि नारायण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। कहते हैं कि वराह अवतार का जन्म ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था। हिरण्याक्ष और वराह अवतार में कई वर्षों तक युद्ध चला, क्योंकि जो दैत्य स्वयं धरती को रसातल में ले जा सकता है, आप सोचिए उसकी शक्ति कितनी होगी। फिर वराह अवतार के द्वारा उसे गदा मारकर अपने दांत उसके बक्ष के आर पार कर दिया गया। तीसरा था जलंधर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। यह इंद्र को पराजित कर तीनों लोगों का स्वामी बन गया था। माना जाता है कि जलंधर की अपार शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था, इसलिए जलंधर को अपने शक्तिशाली होने पर घमंड हो गया था। जलंधर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद विष्णु लोक पर आक्रमण करने की सोची और देवी लक्ष्मी को विष्णु जी से छीन लेने की योजना बनाने लगा। लेकिन इस पर देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, जिस कारण हम भाई बहन हुए। देवी लक्ष्मी की बात मानकर जलंधर विष्णु लोक से चला गया। इसके बाद जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण करना चाहा। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के पतिव्रता होने के कारण भगवान शिव उसका वध नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ने की योजना बनाई। विष्णु जी जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा, ये उनके पति नहीं है। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। चौथा, महिषासुर। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण करके उसे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों तक त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। 5वां राक्षस था मधु कैटभ।
भगवान विष्णु सैकड़ों वर्षों से निद्रा में लीन थे। उन्हीं के कान के मैल से मधु और कैटभ दो भयानक राक्षसों का जन्म हुआ था। एक बार मधु और कैटभ तपस्या में लीन ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें रोका, तब उनके बीच लगभग 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, क्योंकि वे दोनों भाई बारी बारी से युद्ध करते थे, किंतु वे दोनों हारते नहीं दिख रहे थे। इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। तब उन दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा, हम दोनों तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम हमसे उचित वर मांग लो। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा, यदि तुम वर देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ गई। उन्होंने कहा, हमारा वध तुम्हारे जांघों पर ही हो सकता है। फिर विष्णु जी ने अपने विशाल जांघों पर पटक कर उनके मस्तक को काट गिराया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थे रावण से भी शक्तिशाली 5 असुर। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।